नमस्कार दोस्त, नमस्कार। मैं हूँ नीलम कुमारी, तो स्वागत करती हूँ आप सबका नीलम कुमारी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आज हम कई दिन से एक ही बात सुन रहे हैं कि हमारा पति खो गया, हमारा पति खो गया, हमारा पति खो गया। तो आप लोग बताइए, शर्म नाम की चीज़ नहीं रह गई। आप लोग इतना नीचे गिर जाते हैं पैसे के चलते, व्यूज के चलते, कि आप लोग इतना हद पार कर दिए हैं। यूट्यूब नहीं, यूट्यूब को एकदम बैसिया बना के रख दिए हैं आप लोग, ऐसा काम कर रहे हैं। अरे कम से कम कुछ और अच्छी बात सोचिए, अच्छा न्यूज लाइए। ये क्या है, एक ही बात, हमारे पति खो गए, हमारे पति खो गए। तुम लोग का पति क्या बाजार में बिके हुए खिलौना है कि जो कोई उठा के लेके जा रहा है? हैं, आप लोग को एकदम बिल्कुल शर्म नाम की चीज़ नहीं रह गई है, हद पार कर दिए हैं। कोई चीज़ की हद होती है, आप लोग तो एकदम दिमाग चाट के रख दिए हैं। सिर्फ किसी का भेड़ी बकरी दुनिया में तो यह सुनी थी कि बकरी छेड़ी, बकरी वो भैंस गोरू चोरी हो जाता है, जूता चप्पल चोरी हो, लेकिन तुम लोग का तो पति ही चोरी हो जा रहा है। हद हो रही है एकदम। यूट्यूब पे एकदम गंद फैला के रख दिए। कुछ दिन पहले अश्लीलता के बारे में पागल कर रखे थे, अब क्या पति ही चोरी हो रहे हैं। कल के बोलेंगे हमारा भैंस ही चोरी हो गया, तो कोई कहेगा हमारा चप्पल वही चोरी हो गया, तो कोई कहेगा हमारा लड़का वही चोरी हो गया। अरे कम से कम सच बीट सच बात बताओ कि इंसान एक दूसरे की मदद कर सके। इतना भी नीचे मत गिर जाओ बीच के चलते कि पति को कहीं नात रिश्तेदारी में भेज दे रहे हैं और दुनिया भर के नौटंकी कर रहे हैं। शर्म नाम की चीज़ नहीं रह गई है, क्या करे भगवान, इन लोगों को क्या होगा। मारते हैं, मत तो कहते हैं भगवान यूट्यूब बंद हो जाए तो सबसे बढ़िया है, ऐसे गंद फैलाने वाले को एकदम दिमाग चाट के रख दिए। यूट्यूब पे एक ही सवाल पैदा हो रहा है, वो मेरा पति भाग गया, मेरे पति को किडनैप कर दिया गया, मेरी पत्नी, मेरे पति को दूसरी लड़की से अफेयर हो गया, प्यार हो गया। अरे भगवान, तुम लोग क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो भगवान। तुम लोग शर्म करो, शर्म करो एकदम। अपने घर की इज्जत को धज्जिया उड़ा के रखे हो, तुम लोग को शर्म नाम की एकदम चीज़ नहीं, एकदम बेशरम हो गए तुम लोग। अच्छी बात नहीं ना बोलेंगे, अच्छी बात नहीं करेंगे, रोना गाना सुन लोगे। तुम लोग के साथ अगर कोई हकीकत हो जाए ना, तो कोई मानने के लिए राजी यूट्यूब पे ना राजी नहीं होगा। अगर तुम लोग के साथ हकीकत हो जाए ना, तो कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं होगा। ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा काम करो कि जो कभी भी ज़रूरत पड़े कि यूट्यूब परिवार आप सबके साथ हो, साथ दे, लेकिन वो चीज़ आप लोग के अंदर है ही नहीं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, एकदम हद कर दिए हैं आप। उसका फ़ायदा उठा के सारे यूट्यूब वाले फ़ायदा उठाते हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम लोग को शर्म नाम की चीज़ नहीं है, टाइटल में कुछ और लिख रहे हैं, अंदर कुछ और बोल रहे हैं, एकदम हद पार कर दिए हैं। एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एकदम पागल कर दिए हैं, पागल हो गए हैं सबके सब। सो कई दिन से देख रही हूँ एक ही सवाल, बाप रे। उधर वो क्या नाम, उनके पति का गलत अफेयर चल रहा है, वो बात काफ़ी दिन से दिमाग पे चाट रही है। अब दो तीन दिन से ऐसा सवाल पैदा हो रहा है, कुछ दिन में तो चिपक चिपक के अश्लीलता वीडियो बनाएंगे, रोमांटिक वीडियो बनाएंगे, तब तो पता नहीं इतना प्यार कहाँ से आ जाता है। और जब एक क्षण में झगड़ा हो जाता है, एक क्षण में फरार भी हो जाते हैं। यही है, प्यार करते हैं लोग, ऐसे ही प्यार को बदनाम करके रखे हैं, हद कर दिए हैं एकदम। करीब होते ना तो ऐसा राबटा मारती कि साला दिमाग तुम्हारे लोगों का ठिकाने लग जाता, इतना दिमाग खराब कर दिए हो तुम लोग। अकल नाम की चीज नहीं रह गई, एकदम बेशरम बन गए हैं सब सब। पैसे के चलते साले हलकट, तुम लोग एकदम नरक मचा दिए हो। वैसे लड़कियां हो गई हैं, वैसे लड़के हो गए हैं, बिल्कुल बेशरम बन के जा रहे हैं दिन पे दिन। तो चलिए दोस्त, माफ कर दीजिए मुझे, मैं गुस्सा में हुई बोली, क्योंकि मुझे इतना परेशानी हो जाती है ना ये सब वीडियो देख के, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कि पूछो मत। अरे कम से कम अच्छे घर में बनाओ, खाओ, अपने घर परिवार में खुशी हंसी से वीडियो बनाओ, अच्छा लगता है। ये रोज़ रोज़ का नया नया ड्रामा, नया नया ड्रामा। नौटंकी करने वाले को भी ऐसी नौटंकी नहीं आएगी, जो सीखता है वो ऐसी नौटंकी नहीं कर पाएगा जैसे ये लोग यूट्यूब पर नौटंकी करते हैं। कोई विश्वास नहीं करेगा, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तो चलिए दोस्त, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे वीडियो पर, ठीक है। अगर मेरे से कोई गलती हो उसे माफ़ कर दीजिए, कि मैं सबके लिए नहीं कर रही हूँ, जो लोग गंदगी फैला रहे हैं उनके लिए कर रही हूँ, जो लोग ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं यूट्यूब पर, उनके लिए कह रही हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, बाय। ये मेरा सुबह का वीडियो, मेरा बहुत मूड ख़राब है इस समय, समझ गए।
चलिए ठीक है, बाय। आप लोग सोचते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। अगर मेरी बात बुरी लगे तो आप लोग एकदम मेरे को कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ भाभी आप गलत बोल रही हैं, दीदी गलत बोल रही है। आप कुछ भी मेरे को कमेंट में जरूर बताइए कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। सच बात कैसे कोई विश्वास करेगा? कल किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आदमी कैसे किसी की मदद करेगा? ये तो आप बोलेगा कि अफवाह में है, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं व्यूज कमाने के लिए, है कि नहीं? तो मेरी बात अगर बुरी लगे तो माफ़ कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए जिसको मेरी बात अच्छी लगी।